रियलिटी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति लगातार 21 सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता रहा है, लेकिन सीजन 13 की खास बात यह है कि यहाँ सोशल मुद्दों पर भी बातचीत ज्यादा होती है। यहाँ लोग अपने किस्से भी सुनाते हैं। कई बार शो के होस्ट और सबके चहेते अमिताभ बच्चन भी किस्से सुनाने लग जाते हैं। ऐसा ही किस्सा महानायक ने बीते दिनों शो में सुनाया, जिसे सुनकर सब स्तब्ध रह गए। ये किस्सा उस समय का था जब अमिताभ बच्चन के माता पिता बीमार पड़ गए थे। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। दरअसल केबीसी 13 के एपिसोड में जोधपुर की एक नर्स सविता भाटी बतौर कंटेस्टेंट हॉट सीट पर बैठी थी। उन्हें देख अमिताभ बच्चन ने नर्स के काम करने की सराहना करते हुए कहा था, नर्सिंग का काम जो करता है बहुत कठिन होता है। इस महामारी के दौरान तो उनका काम अद्भुत रहा है। अमिताभ बच्चन की बातों को सुनकर सविता ने भी अपना अनुभव शेयर किया और कहा, सर अगर डॉक्टर को शरीर का दिमाग कहा जाता है तो नर्स भी किसी रीढ़ की हड्डी से कम नहीं होती है। केवल दिमाग के आधार पर व्यक्ति अपने शरीर को नहीं चला सकता, रीढ़ का होना भी जरूरी होता है। इसी दौरान फिर अमिताभ बच्चन ने उस नर्स के बारे में बताया जिन्हें उन्होंने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की देखभाल के लिए चुना था, जिन्होंने अमिताभ की माँ की तबीयत खराब होने पर उनकी देखभाल करने से मना कर दिया था। 2003 में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ ने उन पलों को याद करते हुए कहा, जब उनके पिता बीमार पड़े थे तो उनकी देखभाल के लिए उन्होंने एक नर्स रखी थी जो उनकी 24 घंटे देखभाल करती थी। लेकिन पिता की मौत के बाद नर्स को काफी बड़ा झटका लगा, जिससे उसने दोबारा किसी मरीज की देखभाल करने से ही साफ इनकार कर दिया। अमिताभ ने नर्स और माँ से जुड़े किस्से को बताते हुए आगे कहा, नर्स का समर्पण और उनका काम करने का अंदाज देख हमने उन्हें माँ के बीमार पड़ने पर दोबारा बुलाया था, लेकिन उन्होंने हमें ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि वो अब किसी की भी देखभाल करने लायक नहीं है। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उन्होंने नर्स की नौकरी छोड़ दी है या नहीं। वेल, इस एपिसोड में और भी कई खुलासे हुए। जैसे कंटेस्टेंट सविता के पति ने बताया कि भले ही वो नर्स है लेकिन इन्हें खुद इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। इसके बाद बच्चन साहब ने भी बताया कि उनकी बेटी श्वेता नंदा को भी इंजेक्शन से डर लगता है, वो घर में भागती रहती है। लेकिन जब महानायक से पूछा गया कि क्या उन्हें भी इंजेक्शन से डर लगता है तो उनका जवाब ना में था। फिलहाल आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।